क्या दोस्तों आपने कभी देखा है एक ही पैकेट में हर फ्लेवर, एक ही पैकेट में हर फ्लेवर आपको मिले, एक ही जगह पे आपको हर इंसान मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ भाई, आज आपको एक ही पिक्चर में आपको रोमांस, थ्रिल, एक्शन मूवी, देशभक्ति और थ्रिल ब्रूटलनेस से लेके हर एंटरटेनमेंट आपको हमारे किंग खान ने दिया। और भाई फाइनली ट्रेलर आ चुका है, क्या क्या चीजें निकल के आएगी आपको बताते हैं, और क्या हमारा गेस्ट सही होगा तो आगे बता लीजिएगा। लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं यार आज जरा फ्रेम बाय फ्रेम कर। शुरुआत ही राजा से करें, एक हारा हुआ राजा जो कि जिसमें सीन दिखाया होता है खून से लदा हुआ एक इंसान जो कि घोड़े पे आ रहा होता है और उसका खून का कतरा गिरता है और अगला शॉट भाई उसके पास जड़ी बूटियां जिसमें वो ठीक हो रहा होता है। और भाई उस सीन के बाद आगे उसको ढूंढती हुई कार आती है और जिसमें भाई वो कांटों के ऊपर चल के गिर जाती है। अब भाई किसको वो ढूंढ रहे हैं ये तो कहानी में पता लगेगा, लेकिन किसको ढूंढ। भाई अगले टेक में दो ट्रक्स के बीच में सर एक कार निकलती हुई उसके भी ऊपर फायरिंग होती हुई सीन्स, और भाई अगले सीन में बिल्डिंग से निकलती हुई फायरिंग, भाई क्या ही कर रहे हैं, मतलब ब्रूटल लेवल का एक नेक्स्ट लेवल लेके चल रही है बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके हर एक चीज। और उससे अगला सीन जंप करते सीधा मुंबई ट्रेन हाईजैकिंग का सीन आता है जिसमें शाहरुख खान की वो डरावनी हंसी और प्लस एक पहला डायलॉग आता है एंट्री में, और पहले डायलॉग में बंदा कहता है मुझे चाहिए चाहिए तो आलिया भट्ट। उसके साथ साथ वो ब्रूटलनेस को ऐसे शो करने की कोशिश करता है कि भाई वो एक्चुअली कुछ हो रही है, भाई वहीं पे वो विलन है, वहीं पे वो आर्मी है और वहीं पे ही पुलिस वाला है और वहीं पे वो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन एक्चुअली रोल्स के साथ साथ कुछ तो स्पाई चल रहा है, ये देशभक्ति है। और भाई अगला सीन सीधा जंप करता है नयनतारा के ऊपर जो कि भाई स्पाई का रोल कर रही है इस बार, और भाई स्पाई का रोल इस बार एक्टिंग भी काफी अच्छे लेवल की कर रही है देखा जाए तो, जिस तरह के उसने सीन्स डायलॉग डिलीवरी और सब कुछ करा है मजेदार है दोस्तों। अब भाई नयनतारा के सीन के बाद अपने दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है भाई डांस के साथ, अब डांस होता है, डांस के बाद दोनों ही अगले दोनों टेक्स में लड़ रहे होते हैं। अब हार तो मैं पहले गया था। अगला सीन अपना काली का आता है विजय सेतुपति, भाई दुनिया का चौथे नंबर का गन सप्लायर, भाई वो कितना बड़ा गैंगस्टर है, उसके साथ क्या सीन होगा भाई, उसके साथ क्या फाइटिंग। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जवान का पार्ट टू भी आएगा जिस हिसाब से इनके कैरेक्टर्स विलन्स और सब चीजें है वहां पे, फिर अगले ही सीन भाई ब्रूटलनेस पे शिफ्ट हो जाता है, पूरा का पूरा ओवरऑल फाइटिंग चलती है और फाइटिंग के बाद लास्ट का जो एक पंच होता है। कहानी में तो सिंपल सी बात है, एक सोल्जर होगा और एक विलन होगा, अब दोनों ही सोल्जर होंगे देशभक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे। अब भाई क्या कॉन्सेप्ट है वो देशभक्ति का ही है जिस हिसाब से पता लग रहा है, अब भाई दोनों के दोनों ही अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी की पूरी सोल्जर मूवी है। अब जवान नाम है तो भाई जवान से समझ ही रहे हो, जवान भाई जवान का मतलब सोल्जर ही होता है, अब दोनों के दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आएंगे और क्या होता है ये तो अब आगे मूवी में जाके पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेलर देखने के बाद बहुत मजा आया और ट्रेलर इतना अच्छा निकाला तो भाई मूवी कितनी अच्छी होगी, बवाल चीज है बाबा बवाल, और मजा आया ट्रेलर देखने के बाद। काफी सारी चीजें नोटिसेबल थी, नेगेटिव पॉजिटिव हमने इस बार बात करी और काफी सब चीजें इसमें होनी भी चाहिए, मजा आया है। आपको कितना मजा आया, आप कितना एक्साइटेड हो कमेंट करके बताइए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, उससे भी अपडेशन देते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।